हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ थ्री एड्रेस कोड, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है और आपसे कहता है कि इसके लिए सिंटेक्स ट्री लिखिए, इसके लिए पोस्टफिक्स नोटेशन लिखिए और इसके लिए थ्री एड्रेस कोड जो लिखिए। ठीक है, तो ये आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट दे रखा है। प्रोग्रामिंग, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि इसके लिए सिंटेक्स ट्री लिखिए, इसका पोस्टफिक्स नोटेशन बताइए और इसका थ्री एड्रेस कोड भी हमें लिख कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं क्या लिखा हुआ। प्रोग्राम में लिखा हुआ है मेन इंट आई इक्वल टू वन, इंट ए, एक एरे ले रखा है ए 10 साइज का, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ए आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, पूरी मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि ये आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट दे रखा है, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंटैक्स ट्री बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसमें जो भी डिक्लेरेशन होता है, ये एरे है, जो भी डिक्लेरेशन होगा वो कभी भी आपके ना सिंटैक्स ट्री में आएगा, ना पोस्टफिक्स में आएगा, ना ही थ्री एड्रेस कोड में आएगा। इनिशियलाइजेशन आता है, एक्सप्रेशन आएगा पूरा, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं आता है, तो ये तो आएगी नहीं लाइन डिक्लेरेशन वाली। बाकी देखते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये तो लिखना नहीं है इंट वगैरह। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 1, और क्या बनाना है, सिंटैक्स ट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई लेंगे इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या लेनी है 1। तो किस तरीके से बनाएंगे इसका सिंटैक्स, हमने क्या बताया था, ऑपरेटर ऊपर आता है, ऑपरेंड साइड में आते हैं, तो आई इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई। फिर क्या कह रहा है, वाई वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक, तो आई इक्वल टू 1 तो हमने ये ले रखा था, इतना तो हमारा बन गया पहली लाइन में पोर्शन, आई इक्वल टू 1। अब क्या करना है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई तो ये रहा, हमने क्या लिखा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। देखिए किस तरीके से बनाया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा, आई लेस देन आई इक्वल टू 1, ऑपरेटर ऑपरेंड, सिंटैक्स ट्री का यही फॉर्मेट होता है। फिर क्या है, वाइल, तो वाइल नीचे लिया हमने, और आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ऑपरेटर ये आ गया, ऑपरेंड्स ये आ गए। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए आई इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन है तो क्या कह रहा है, ए आई इक्वल टू 0, तो ए आई इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर, ये वाइल तो यही लिखा हुआ है, पहले ऑपरेटर आया ये वाला, फिर ये ऑपरेंड आया ए आई, और फिर ये 0 वाला आया, वाई आई लेस देन इक्वल टू 10, तो हमने क्या लिख लिया, दो चीज़ें हैं इसके अंदर वाई लूप के अंदर, एक तो ए आई इक्वल टू 0 है, तो ए आई इक्वल टू 0, ऑपरेटर ये ऑपरेंड साइड में, जैसे हमने बताया सिंटैक्स ट्री में होता है, ऑपरेटर यहाँ पर आता है और लीफ नोड पे क्या आते हैं, ऑपरेंड्स आते हैं। दूसरा क्या, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कैसे आएगा, कि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो जाना है यहाँ पर, देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो पहले हमें क्या निकालना है, आई प्लस 1 निकालना है, तो पहले हमने क्या किया, आई प्लस 1, आई प्लस 1 ये निकाला, ठीक, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आई प्लस 1, पहले तो ये निकाला आई प्लस 1, ये रहा आई प्लस 1, जो रिजल्ट आया वो किसके इक्विवेलेंट है, आई के, ये जो रिजल्ट आया आई प्लस 1 का, ये किसके इक्विवेलेंट है, आई के, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, वाइल के, और अगर कुछ और एक्सप्रेशन दे रखा होता तो हम उसे इधर लिख लेते। फिलहाल हमने क्या लिख दिया, दोबारा से एक बार पूरा देख लीजिए, सबसे पहले आई इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या किया, इक्वल आई और 1, आई को इधर इसलिए लिया क्योंकि हमें आई की दोबारा जरूरत पड़ेगी, फिर आई वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो इक्वल लेस देन इक्वल 10 आई, और किसके साथ है, वाइल के साथ, तो वाइल ये आ गया। ठीक, अब वाइल के अंदर जो दो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, एक कंडीशन हमने इधर लिख दी, क्या, ए आई इक्वल टू 0, और दूसरी क्या, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो पहले तो आई प्लस 1 निकालेंगे, तो प्लस आई 1, आई प्लस 1 आ गया, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आई के, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आई के, और जो फाइनल रिजल्ट है किससे कनेक्टेड है, वाइल से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका सिंटैक्स ट्री बन गया।
अब आते हैं किस पर, पोस्टफिक्स नोटेशन पे। तो पोस्टफिक्स नोटेशन तो ईजी है। पोस्टफिक्स नोटेशन क्या कहती है कि पहले आपके ऑपरेंड्स आएंगे फिर ऑपरेटर आएगा। तो देखिए i इक्वल टू वन है तो इसमें इसको क्या लिख लेंगे, i वन इक्वल ऑपरेंड आ गया फिर ऑपरेटर आ गया। ठीक, इसके लिए तो लिखा नहीं आना है। वाइल के लिए कैसे लिखा जाएगा, वाइल एज इट इज आ गया, आई लेस देन इक्वल टू टेन लिखा हुआ है, तो आई टेन और लेस देन इक्वल, आई टेन और लेस देन इक्वल। फिर क्या लिखा हुआ है, ए आई इक्वल टू जीरो, तो ए आई जीरो और इक्वल, ए आई जीरो इक्वल, पहले ऑपरेंड्स फिर ऑपरेटर। फिर क्या लिखा हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन में पोस्टफिक्स में लिखना है तो पहले तो इसको करना पड़ेगा भाई, i इक्वल टू, पहले तो इसको पोस्टफिक्स में करो तो क्या आएगा, i वन प्लस आएगा। एक बार में तो लिख नहीं सकते, पहले हमने क्या किया, इन दोनों ऑपरेंड्स को एक साथ लिया और ऑपरेटर को यहाँ लिया, तो फिर क्या आ गया, ये i इक्वल टू आई वन और प्लस। अब एक ऑपरेंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऑपरेटर ये हो गया, तो क्या आ जाएगा, i i वन प्लस i i वन प्लस, और ये वाला किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, i i वन प्लस, और ये इधर आ गया। ठीक, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये इसका क्या आ गया, पोस्टफिक्स नोटेशन आ गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड के हमने एग्जाम्पल पहले भी करा रखे हैं, इसका भी फिर से बता देते हैं। देखिए i इक्वल टू वन, ये i इक्वल टू वन, इफ i, अब ये लाइन तो आएगी नहीं, वाइल वाली लाइन के लिए हम क्या करते हैं, जब थ्री एड्रेस कोड लिखते हैं इफ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, कोई भी लूप दे रखा हो, अगर थ्री एड्रेस कोड में लिख रहे हैं तो हमेशा इफ से स्टार्ट करेंगे। तो वाइल आई लेस देन इक्वल टू टेन, तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई लेस देन इक्वल टू टेन, तो कहाँ जाना है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। तो अभी तो हमें पता है नहीं कि कहाँ जाना है, तो अगर कंडीशन ट्रू है हम लिखते हैं गो टू डैश डैश, पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर आई लेस देन इक्वल टू टेन नहीं है, आई ग्रेटर देन टेन है, तो कुछ दे रखा है कहाँ जाना है, नहीं। तो ट्रू के लिए तो हमने ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रू होगा तो हम यहाँ जाएंगे, अभी पता लगेगा हमें कहाँ जाना है जहाँ पे ये लिखा होगा, अगर ट्रू है तो। लेकिन अगर फॉल्स है ये कंडीशन तो कहाँ जाना है, तो फॉल्स के केस में तो पता नहीं, हमने लिख दिया गो टू डैश डैश, हमें पता नहीं। ट्रू है तो अभी हम निकाल लेंगे कहाँ जाना है, लेकिन फॉल्स है अगर, तो यहाँ कुछ दे नहीं रखा है, तो हमने गो टू डैश डैश लिख दिया फॉल्स होने के केस में। ठीक है, अब अगर ट्रू है तो उस पर आते हैं भाई, ये कंडीशन ट्रू, आई लेस देन इक्वल टू ट्रू, तो मुझे ये दो लाइनें एग्जीक्यूट करानी है, ए आई इक्वल टू जीरो और आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो मुझे पता लग गया यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं क्या, ए आई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मैंने भर दिया अब कौन सा एड्रेस, फोर, इसलिए मैंने यहाँ फोर लिखा था पहले। फोर पे आ गए, फोर पे क्या लिखा हुआ है आपका, फोर पे आपका लिखा हुआ है ए आई इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया था कि ए आई इक्वल टू जीरो का मतलब ए आई क्या है, ए आई है आपका वन डायमेंशनल एरे। ठीक, और हमने आपको बताया था कि जब भी वन डायमेंशनल एरे आए, ए आई आए, बी आई आए, कुछ भी आए, तो ये किसके इक्वलेंट होता है, हमेशा टी टू टी वन के इक्वलेंट होता है। ये जो ए आई एरे है ये किसके इक्वलेंट होता है, टी टू टी वन के, जहाँ पर टी वन की वैल्यू क्या होती है, टी वन की वैल्यू होती है यहाँ जो अंदर वैल्यू दे रखी है वो, और इनटू हर एलिमेंट की विड्थ, एरे में हर एलिमेंट की विड्थ। दोबारा से ध्यान दीजिए, ए आई इक्वल टू जीरो अगर दे रखा है तो ये इक्वलेंट होता है टी टू टी वन के। ठीक, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपनी तरफ से, जहाँ पर टी वन जो निकलेगा वो कैसे निकलता है, आई इंटू जो एरे के हर एलिमेंट की विड्थ है, जो भी एलिमेंट दे रखा हो उसकी विड्थ कितनी है, एरे में कितना स्पेस ले रहा है, कितने बाइट ले रहे हैं। तो टी वन हमेशा इस फॉर्मूले से निकलता है, और टी टू हमेशा कैसे निकलता है, एड्रेस, एड्रेस किसका, यहाँ जो वेरिएबल दे रखा है वो, एड्रेस ऑफ ए माइनस विड्थ। टी टू हमेशा कैसे निकलेगा, एड्रेस, और एड्रेस किसका, जो यहाँ वेरिएबल दे रखा है, एड्रेस ऑफ ए माइनस विड्थ। विड्थ क्या है, हर एलिमेंट की जो विड्थ होगी। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये आए कहाँ से, टी वन टी टू, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था वन डायमेंशनल एरे में किस तरीके से थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ हमने डिटेल में बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए हमने ए आई इक्वल टू जीरो यहाँ था, इसको हमने क्या बताया कि टी टू टी वन इक्वलेंट होता है, जहाँ टी वन क्या होता है, आई इंटू वर्थ, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले
जैसे ही स्टार्ट हुए हम फोर्थ लाइन पर आए, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ आपने देखा आई है तो टी वन इक्वल टू आई इंटू वर्ड्स ये वाली लाइन लिख दी। फिर आप टी टू निकालोगे, टी टू क्या होगा एड्रेस ऑफ ए माइनस वर्ड्स ये भी लाइन लिख दिया आपने ठीक। फिर ये पूरा का पूरा किसके इक्वलेंट हमने बताया टी टू टी वन के इक्वलेंट है तो और इक्वल टू कितना है जीरो तो टी टू टी वन ये जो टी टू टी वन निकाल रखे हैं ये किसके इक्वलेंट हो गए जीरो के। क्यों यहाँ जीरो के ए आई टी टू टी वन के इक्वलेंट हुआ और वो किसके इक्वलेंट है जीरो के ठीक है। तो ये जो तीन लाइनें हैं ये समझने के लिए कि कहाँ से आई और कैसे वर्क कर रही है आपको वीडियो देखना पड़ेगा वन डायमेंशनल एरे के लिए हमने किस तरीके से थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया है ठीक है। अब आते हैं हम आई इक्वल टू आई प्लस वन, यहाँ क्या लाइन दे रखी है आई इक्वल टू आई प्लस वन, इसका थ्री एड्रेस कोड कैसे निकलेगा। तो टी वन टी टू तो वेरिएबल हमने पहले ही ले लिए, अब इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है तो पहले हमने क्या किया टी थ्री वेरिएबल लिया टी थ्री इक्वल टू आई प्लस वन, पहले तो टी थ्री इक्वल टू आई प्लस वन निकाल लिया ठीक है। तो ये पूरा कितना आ गया टी थ्री आ गया और उसके बाद क्या कर दिया आई इक्वल टू टी थ्री आई इक्वल टू टी थ्री ठीक है। तो ये किसका कोड आ गया, ये दोनों लाइनें किसके लिए हो गई थ्री एड्रेस कोड, ये दोनों लाइनें थ्री एड्रेस कोड हो गई हमारी आई इक्वल टू आई प्लस वन। अब जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस कहाँ जाएगा भाई, कंडीशन ट्रू हो गई दोबारा से फिर से एक व्हाइल लूप लगा हुआ है यानी कि लूप तो कंटिन्यूसली चलेगा तो आपको फिर से गो टू कहाँ करना पड़ेगा भाई, लूप चल गया पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो लूप यहाँ तक चल गया। अब लूप चलने के बाद दोबारा से गो टू कहाँ पर करेगा, जहाँ से दोबारा कंडीशन चेक करेगा और दोबारा कंडीशन कहाँ पर चेक करेगा यहाँ पर। तो हमने गो टू कहाँ क्या लिखेंगे कौन सा नंबर टू, गो टू टू ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने एक ही प्रॉब्लम के लिए सिंटेक्स ट्री भी निकाल लिया, पोस्टफिक्स नोटेशन भी निकाल लिया और थ्री एड्रेस कोड भी निकाल लिया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन द सिंटेक्स ट्री पोस्टफिक्स नोटेशन एज वेल एज थ्री एड्रेस कोड फॉर ए गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। थैंक यू सो मच।